वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये वीडियो मैं सेम डे पर शूट कर रहा हूँ और अभी ये वाली वीडियो होने वाली है मेरी जो आ रही है रॉयल इनफील्ड और मेरी आवन फाइव के साथ में, उसके साथ में हम ये सेम कंपैरिजन करने वाले हैं। आई नो ये कंपैरिजन थोड़ा सा वियर्ड रहेगा क्योंकि वो एक लाइक टूरिंग बाइक है, एक क्रूज़र अपन बोल सकते हैं लेकिन टूरिंग बाइक है, और मेरी एक स्पोर्ट्स बाइक है, उसके साथ में कंपैरिजन कोई नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक अपने मज़े के लिए और आपको दिखाने के लिए एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ है मेरे साथ राइडर अमित और मैं एज यूजल अपनी बाइक पे ही हूँ और बस शुरू करते हैं वही सेम फिर से 3 ऑन्स एंड लेट्स गो। बहुत पीछे आजो भाई आजो आजो आजो। कैसी लगी? कितने पीछे थे? 110 से ऊपर। बुलेट की अघोर बेइज्जती होती हुई बहुत पीछे रह गई बेचारी। नहीं है, नई बुलेट आई है अभी। बहुत पीछे रह गई बेचारी, बहुत पीछे, दिखाई भी नहीं दे रही थी भाई। ऐसा ही लगेगा पीछे रहने के बाद, कुछ तो बहाना लगाना पड़ेगा ना। एक्सचेंज कर ले भाई, ऐसा एक्सचेंज कर ले। कुछ भी सही, पीछे तो रह गए। तो जिसे देखो बुलेट पसंद है, जो लोग बोलते हैं ना बुलेट ले लो बुलेट लो, इसलिए मेरे को बुलेट पसंद नहीं है। मुझे स्पोर्ट्स बाइक बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका पिकअप और टॉप एंड पे जाके बाइक अलग ही, मतलब अलग ही परफॉर्म करती है, आग लगा देती है, पागल हो जाती है, वीवीए मोड एक्टिवेट होते ही उसका, और फिर ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं बेचारा मासूम। अभी खुद सोचो, सोचने वाली बात है, ये 155 सीसी है R15, ये 350 सीसी है, 350 सीसी। हम लोग अराउंड 300 मीटर होगा ये, ज्यादा से ज्यादा 300 मैक्सिमम 400 मीटर, उसमें कम से कम 100 से 150 मीटर पीछे रह रही है। तो अब लगा लो अगर हम लोग हाईवे पे होते तो ये भाई दिखने वाला नहीं था। तो ये भी एक छोटी सी ड्रैग रेस, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और भाई हमारा राइडर नहीं है प्रोफेशनल, या मतलब ऐसे ही लंबी राइड पे भी नहीं जाता मेरे साथ, लेकिन कोशिश करी उसने साथ में कंपीट करने की। तो रेस आज की हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कौन सी बाइक की रेस ज़्यादा अच्छी लगी आपको, ये आरी रॉयल इनफील्ड वर्सेस R15 या फिर अपाचे आरटीआर 160 वर्सेस R15। बढ़िया लगा हारने के बाद? हाँ पवन बहुत अच्छा, A1 हारने के बाद मजे आए भाई। चलो ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को, यहीं करता हूँ क्लोज। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी के साथ आपसे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।